Hey guys, welcome back to my channel Mama Super Kids. आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग पॉप्सिकल की रेसिपी जिसका टेस्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है. खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट होता है जो हमें लेके चला जाएगा हमारी बचपन की खट्टी मीठी यादों में. सारे इंग्रेडिएंट घर पर बहुत ही इजीली अवेलेबल रहते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के. बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ में हम इसे बना सकते हैं और अपने बचपन की यादों में जा सकते हैं. चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं. पॉप्सिकल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3 कच्चे आम और अगर वजन में कहा जाए तो ये है लगभग 400 ग्राम. तो इसे हमें छील लेना है और मीडियम साइज में चॉप कर लेना है. तो अब देख सकते हैं मैंने इसे मीडियम साइज में चॉप कर लिया है और इसे हमें प्रेशर कुक करने के लिए रख देना है. अगर आप चाहे तो सॉस पैन में भी इसे पका सकते हैं. यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ लगभग 1 कप और लगभग 3 से 4 विसल आने तक या फिर कह लीजिए पूरी तरीके से पकने तक हमें आम को पका लेना है. अब देख सकते हैं आम पूरी तरीके से पक चुका है. तब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1/2 कप चीनी, 20 से 25 पुदीने के पत्ते, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और बस इन सारी चीजों को हमें ब्लेंड कर लेना है. यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ. अगर आप चाहे तो मिक्सी से भी इसे बिल्कुल स्मूथ सा पीस सकते हैं. कंसिस्टेंसी अभी गाढ़ी लग रही है इसलिए यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा और पानी लगभग 1/2 कप के आसपास. और बिल्कुल कच्चे आम का कलर देने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लगभग 2 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर. लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है. पर्सनली मैं फूड कलर बच्चों के में डालना अवॉइड करती हूँ लेकिन यहाँ पे रेसिपी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरीके से आप कर सकते हैं जिससे कलर बिल्कुल बाजार जैसा आएगा. प्यूरी हमारी जो होगी ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी होगी ना तो बहुत ज्यादा पतली होगी. आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजों को एडजस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपको मीठा कम लग रहा है थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं या फिर जो भी मसाले डालने जैसे कि स्पाइस डालने चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये तो हमारा बन के रेडी हो गया. चलिए अब इसे हम मोल्ड में ट्रांसफर करते हैं. बहुत ही बेहतरीन सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है इसका तो इसे आप जरूर ट्राई करिएगा. अगर आपके घर में आम पना बच जाता है या फिर बच्चे आम पना पीना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से पॉप्सिकल बना के जरूर दीजिएगा. आई एम श्योर बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे. तो चलिए अब इसे हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं 5 से 6 घंटा या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं. ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये आपके फ्रीजर में सेट होता है. तो चलिए सेम इसी प्यूरी का यूज करते हुए किस तरीके से हम इसे एक और मजेदार सा ट्विस्ट दे सकते हैं उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कच्चे आम की प्यूरी बनाई थी उसे 3/4 फिल कर देना है और इसे भी हमें फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देना है. तो यहाँ पे हमारा पॉप्सिकल सेट होके रेडी हो गया है और इसे मैंने ओवरनाइट रखा था. लेकिन कई बार होता है कि पॉप्सिकल को निकालना मोल्ड से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. तो यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अपना टिप कि किस तरीके से इसे मैं मोल्ड से निकालती हूँ. तो इस पॉप्सिकल मोल्ड को मैंने वार्म रनिंग वाटर के अंदर कुछ सेकंड के लिए रख दिया था और थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि पॉप्सिकल बहुत ही आराम से निकल जाएगा. क्योंकि बच्चों को ना पॉप्सिकल देखने के बाद बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता. या फिर आप कुछ देर काउंटर टॉप में भी रख सकते हैं जिससे जो हमारी पॉप्सिकल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी तो इसे हम आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही मजेदार सा बहुत ही चटपटेदार सा पॉप्सिकल बनके रेडी हो गया है. आई होप कि इस रेसिपी को आप डेफिनेटली पसंद करेंगे. आप क्या बच्चे भी इसे बहुत ही लाइक करेंगे. तो चलिए एक और जो पॉप्सिकल हम बना रहे थे उसकी भी बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का पका हुआ आम लिया था और इसे हमें प्यूरी बना लेना है. यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्वीटनेस के लिए 3 बड़ा चम्मच चीनी. चीनी की क्वांटिटी जो है आप ना टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा कि मैंगो कितना मीठा है. बिल्कुल चुटकी भर नमक और थोड़ा सा नींबू का जूस 1 चम्मच. बस इन सारी चीजों को हमें ब्लेंड कर लेना है और आप देख सकते हैं प्यूरी बनाने के बाद ये अभी भी हमारा जो मैंगो है वो ठीक लग रहा है. तो यहाँ पे मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया है पानी के साथ में. बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए ना तो बहुत ज्यादा पतला चाहिए. और ये देखिए 3/4 जो हमने पॉप्सिकल बनाया था वो अच्छे से सेट हो चुका है. तब यहाँ पे हमें पॉप्सिकल को निकाल लेना है मोल्ड से और उसके बाद लगभग 2 बड़ा चम्मच हमें डाल देना है पके हुए आम वाला प्यूरी. तो सारे पॉप्सिकल को मैं इसी तरीके से निकालती जाऊंगी. इससे जो है
कलर भी बहुत अच्छा आता है खट्टे मीठे आम का, जो हमने पके हुए आम का यूज किया हुआ है और कच्चे आम का, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो अगर आप चाहें तो प्लेन वाला बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ट्विस्ट देना है खट्टा मीठा इस तरीके का पके आम के साथ में, तो ऐसा भी बना सकते हैं। इसे हमें सेट करने के लिए रख देना है अगेन ओवरनाइट। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सा, जैसे बाजार में आता है ना दो कलर के शेड वाले पॉप्सिकल, वो बन के रेडी हो गया है, जहां पे हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया हुआ है। कलर डालना है तो इट्स टोटली अप टू यू, डाल सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट से आप इसे बना सकते हैं। होप सो आज की पॉप्सिकल की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, और अगर मम्मा सुपर किड्स में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज के आइडियाज, बच्चों के एक्टिविटीज और उनके हेल्थ के टिप्स। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, थैंक यू, बाय बाय।